नमस्कार, आप जो रहे छो नेशन प्लस न्यूज, हूँ छू आपने साथे हेतल भगत। वडोदरा में गोत्री सेवासी रोड स्थित रमण भाई ऑडिटोरियम एफजीआई खाते रोजगार मेला नो आयोजन करायो छे, जेमा केंद्रीय मत्स्य उद्योग पशुपालन अने डेरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हस्ते निमणूक पत्र एनायत करवामां आव्या हता। रोजगार निर्माण प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय विजन ने अनुरूप सरकारे देशभर में रोजगार मेला कार्यक्रमों की श्रेणी शुरू करी छे। रोजगार मेला सातमा तबक्का आज 22 जुलाई रोज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग माध्यम से देशभर विविध स्थलों शुभारंभ करायो हतो, जेना भागरूपे वडोदरा शहर गोत्री सेवासी रोड स्थित रमण भाई ऑडिटोरियम एफजीआई खाते रोजगार मेला आयोजन कर रोजगार मेला में केन्द्रीय मत्स्य उद्योग पशुपालन अने डेरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हस्ते वडोदरा में कुल 169 नवनियुक्त कर्मचारियों ने निमणूक पत्रों आपवामां आव्या हता। सीबीआईसी, इंडिया पोस्ट, एफसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी सहित संस्थाओं में नवा भर्ती थे कर्मचारियों ने महानुभावों हस्ते निमणूक पत्रों एनायत कराया था। ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आज के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं को राष्ट्र के विकास के कार्यक्रम में साथ जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया। सातवां रोजगार मेला आज संपन्न हो गया। 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार में विविध विभागों में इनके नियुक्ति पत्र दिए गए। इसकी खास बात यह है, आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही, प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबा दिया, 70,000 बेनिफिशियरीज के मेल एड्रेस पे उनके नियुक्ति पत्र पहुंचा दिए। टेक्नोलॉजी का इतना सुंदर उपयोग मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के अलावा और कोई करता होगा। देश के रोजगार के क्षेत्र में एक अलग सीमा चिन्ह आज के कार्यक्रम ने रख दिए। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के युवाओं में स्पर्धा करने का, प्रयास करने का और परिणाम पाने का, स्वतः संतोष लेने का अवसर देशवासियों को मिल रहा है। मुझे याद है कि इंटरव्यू, एप्लीकेशन, फिर इंतजार और फिर निराशा, इन सारी चीजों को निपटाते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के 70,000 से अधिक युवाओं को आज भारत सरकार में जोड़ने का अवसर हुआ। वडोदरा में सीबीआईसी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था। हमारे सांसद, हमारे यहाँ के विधायकगण और विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 100 से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम हुआ।
आज इस अवसर पर जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सबको ढेर सारी बधाई, उनके परिवारजनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्र के विकास में युवा शक्ति का स्वागत है। जिग्नेश सोलंकी, नेशन प्लस न्यूज, वडोदरा। समाचारों का सतत अपडेट मिलावा माटे हमारी नेशन प्लस न्यूज से यूट्यूब चैनल ले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावो और फॉलो करो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।